हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एलईडी हेडलाइट्स के ऊपर। सो आज जिस एलईडी हेडलाइट का हम रिव्यू करेंगे वो है एक मोटो एलईडी ब्रांड का एलईडी हेडलाइट जो कि 55 वोट के अंदर आता है, जिसका जो आउटपुट ब्राइटनेस है वो हमारा 8000 लुमिनस रहता है। और इसके अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसका 6000 केल्विन रहता है। सो गाइस, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का हमें एलईडी बल्ब मिलता है। इसके अंदर हमें H4 सॉकेट मिलता है और इसके साथ अगर आप बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी जो है मेटेलिक बॉडी आपको इसके अंदर मिलती है। सिर्फ इसका जो होल्डर है वो आपको प्लास्टिक मेड मिलता है। सो गाइस, कुछ इस तरह का हमारा एलईडी बल्ब है। सो ये बल्ब बिल्कुल कॉपी है नाइट आई एलईडी बल्ब का। सो गाइस, आज के वीडियो में हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो है अपनी बाइक का जो हेडलाइट है वो पूरा कंप्लीट खोलना पड़ेगा। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप स्टॉक बल्ब यूज़ कर रहे हैं जो कंपनी से हमें प्रोवाइड मिलता है हमारे व्हीकल के अंदर, और अगर आपको कोई भी एलईडी उसके अंदर इंस्टॉल करना है, तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी बाइक का एसी टू डीसी कनेक्शन ज़रूर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। उसी के बगैर एलईडी इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको स्प्लेंडर के अंदर एसी टू डीसी करना भी सिखाऊंगा। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सारा कंप्लीट हेडलाइट खुल चुका है। सो हेडलाइट के नीचे देखिए कुछ इस तरह के आपको सॉकेट मिलते हैं, सभी जो है छोटे साइज़ में। सिर्फ आपको इनमें सिर्फ दो सॉकेट मिलेंगे जो सबसे बड़ा साइज़ होगा। सबसे पहला ये रहा जिसके अंदर तीन वायर आपको लगी मिलेगी, सेकंड ये जिसके अंदर आपको फोर वायर मिलेगी। सो जो फोर वायर लगी होती है उसको इग्निशन स्विच बोलते हैं। सो हमने करना क्या है, जो थ्री वायर लगे हुए हैं उनमें एक येलो वायर जो कॉमन वायर करंट वायर बोलते हैं जिसको, उसे हमें कट कर लेना है और उसका कनेक्शन जो है दूसरी साइड से हमें इग्निशन प्लग के अंदर देना है। तो किस तरह से करना है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये बिल्कुल इजी है, आप इसे अपने घर पे भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ छोटा सा एक वायर का टुकड़ा चाहिएगा। सो किस तरह से आपने कनेक्शन करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं वायर हमने कट कर दिए और ये हमारे पास जो वायर का टुकड़ा है जिसको हम एक्सटेंड करेंगे हमारे इग्निशन स्विच तक। सो इसके दोनों साइड से आप इन्हें अच्छी तरह से छील लीजिए और एक तरफ से जो हमने वायर का टुकड़ा कट किया था वहाँ से आप इसे कनेक्ट करिए। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, जो इंजन के अंदर से येलो कलर का वायर आ रहा है हमें उसे कनेक्ट नहीं करना, उसे एक्सटेंड नहीं करना। जो प्लग के अंदर हमारा येलो वायर है हमें उसे एक्सटेंड करना है, क्योंकि वो आगे जाके जो है हेडलाइट के साथ अटैच है। सो ये हमारा इग्निशन प्लग है। सो इसके अंदर फोर वायर आपको मिलेंगे, रेड ग्रीन एंड दो ब्लैक। सो रेड ग्रीन के अंदर आपने इनका कनेक्शन नहीं करना, आपके जो दो ब्लैक है आपको बारी बारी सिर उनमें लगा के देखना पड़ेगा कि किस में करंट आता है इग्निशन ऑन होने के बाद। सो आपने उसी के अंदर इसका जो है कनेक्शन करना है। सो गाइस, मुझे पहले से पता था कि कौन से वायर प्लग में इसका जो है वायर लगाना है, सो मैंने ऑलरेडी उसमें लगा दिया है। सो बिल्कुल ईजी है कनेक्शन करना, आप घर पे भी इसको आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जब बात आ जाती है हमारे बल्ब को लगाने की, तो जिस तरह से हम स्टॉक बल्ब हटाते हैं बिल्कुल आसानी से, उसी तरह इसे भी लगाया जा सकता है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आसानी से जो हमारा बल्ब भी है फिट हो चुका है। तो जिस तरह से हमने क्लिपिंग हटाई थी उसी तरह से आप क्लिपिंग कर दीजिए और आपका अब जो है इसकी प्लग इन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डीसी सक्सेसफुल हुआ या नहीं। सो गाइस, प्लग लग चुका है, अब आप इसे एक बार चेक जरूर कर ले कि हमारा लाइट अच्छे से काम कर रहा है नहीं। सो गाइस, इसका मतलब हमारा डीसी सक्सेसफुल हो चुका है। सो एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जितने भी कनेक्शन आप खोलते हैं उन्हें टेप से जरूर कवर कर लें, वरना बाद में वो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं।
सो गाइस लाइट हमारा अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट आपको नाइट का व्यू दिखाता हूँ कि इस तरह से जो इस लाइट का परफॉर्मेंस है, कितना इसका ब्राइटनेस है। सो गाइस ये है इसका नाइट का रिव्यू। नाइट में मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का इसका आउटपुट है। सो गाइज एज यू कैन सी ब्राइटनेस बहुत ज़बरदस्त है, ब्राइटनेस में आपको इसमें कंप्लेंट नहीं आएगी। और सेकेंडली मेरा कैमरा भी इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो कैमरे की क्वालिटी भी इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती जितना आप अपनी खुद की आंखों से देख लेते हैं। सो गाइज ब्राइटनेस के अंदर आपको बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं आएगी। ब्राइटनेस ओवरलोडेड है, वो डिपेंड ये करता है आप कौन सी बाइक यूज़ करते हो। जिस तरह से स्प्लेंडर के अंदर जो है स्क्वायर शेप में हेडलाइट होता है, सो उसके अंदर इतना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर आप पल्सर या डोमिनार जैसी कोई भी स्पोर्ट्स बाइक यूज़ करते हैं सो उनकी हेडलाइट के अंदर जो है डोम डीप होता है, तो डोम के अंदर अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, सो उसमें ये लाइट काफ़ी दूर तक जाती है। सो अगर आपके पास स्प्लेंडर है तो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो बाकी डिपेंड करता है आप किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं, किस तरह से एंगल सेट करते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की नई नई एसेसरीज की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और गाइस अगर आप में से किसी को भी इसे बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और साथ में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, सो प्लीज़ मुझे भी फॉलो कर लीजिए।